नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अलमास कॉलोनी के अलमदीना कॉलोनी में है, जहाँ पे 10-12 बिल्डिंग की एक सोसाइटी, यहाँ पे लगातार 4 दिनों से यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से यहाँ के लोगों ने यहाँ पे बाहर निकल के रोड पर धरना आंदोलन की कोशिश की थी। उसी वक्त वहाँ पे यहाँ के स्थानीय विधायक आ गए और उन्होंने उन्हें समझा बुझा कर मना किया। तकरीबन 4 रमज़ान से यहाँ पे लाइट नहीं है, लोग यहाँ पे लाइट की वजह से परेशान है। यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की क्या परेशानी क्या है आपके यहाँ पे। हमारी ये परेशानी है कि जो भी ये लोग बोलते हैं, जितने भी MBC वाले, सब झूठे हैं यार। 4 दिन से मुझसे सिर्फ ये वादा कर रहे हैं कि काम हो रहा है, वहाँ से आ रहा केबल वहाँ था। चाहते मैंने जैसे उनसे कहा था कि पहले दिन केबल लाके और उसको ठीक कर दो, उसके बाद लाइन चालू कर दो, उसके बाद जो तुम्हारा प्रोसेस है करो। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं, एक दूसरे पर टालते रहते, झूठ बोलते ही रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ झूठ बोलना है। 25 बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, 25 बिल्डिंगें, हम लोग 4 रमज़ान से परेशान हैं और ये हमारी कुछ भी नहीं सुनते हैं। जो भी आते हैं बस माजूने तसल्ली देते हैं। मैं लाइट बिल उनको इतना दिखा सकता हूँ, सारे बिल्डिंग से, वो भी झूठा, अभी बैठा के रखा गया, उसको रोका गया। धुंडेलकर अपने बीवी के नाम से टेंडर पास करता है, RTI मैंने दिया है, RTI का जवाब आज तक नहीं दिया उसने। क्यों, क्या वजह? वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, फिर यहाँ कैसे लाया गया? 4 दिन हो गया, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग, किसको बोलेंगे? अभी आके जितेंद्र रावत साहब ने बोल के गए यहाँ पे कि अभी से केबल डाल देंगे, ये कर देंगे। कल परसों के दिन भी लाइन डाल के गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। 4 बजे रात को लाइट चले गई, लाइट नहीं है तो घर में पानी नहीं है, यहाँ पे लोग बीमार रहते, कोई डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक है, कुछ हो गया, इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा, कौन इसका जवाब देगा? और ऊपर से रमज़ान भी शुरू है, 4 दिन से लाइट नहीं है, कट जाती है, कभी भी कट जाती है, और इधर फेस आ जा रहा है और कोई आ भी ना, देख भी नहीं रहा हम लोग को। और उसके बाद हम लोग का नगर सेवक भी नहीं आ रहे, कल ही आके झाँकते हैं और चले जाते हैं। खड़े हुए काम जल्दी फ़ौरन करवाना चाहिए उन लोग को, और हम लोग को इतनी तकलीफ़ होती है। हम लोग रोज़ा रखते हैं, बाहर से जाके पानी भरते हैं। 3 दिन से लाइट नहीं है भाई हम लोगों के इधर, और पानी की तकलीफ़ है, रमज़ान का महीना है, लाइट नहीं होने की वजह से बच्चे बेचारे सो नहीं पाते। जॉब पे जाने वाले मेरे दोनों बच्चे नाइट शिफ्ट करते, आके सुबह में सो नहीं पाते, रोज़ा कब करना, अफ्तारी क्या बनाना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 3 दिन से इतने परेशान हैं ना, बार बार लाइट आती है, फ्लक्चुएट होती है, चली जाती है। एक्चुअली ऐसा हो गया कि यहाँ पर है ना ट्रांसफार्मर एक ही है और बिल्डिंगों के अंदर लोड ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पर मतलब बार बार लाइट केबल जल जा रहे हैं। वोट लेने के लिए सब आते हैं, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। ये जो अभी एक केबल डाल रहे हैं ना, दूसरा केबल भी उसके साथ में चालू करेंगे, समझो अभी इसको जो करंट है ना, आधा आधा करंट हो जाएगा तो ये टिकेगा, नहीं तो ये जो अभी दो ये केबल डाल रहा है, जूना भी चालू करेंगे ना, ये भी चालू करेंगे तभी टिकेगा। ये 3 दिन से यहाँ की पब्लिक परेशान है, तो इसके लिए अभी तक क्या MSEB कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? अब पब्लिक, हमारा जो स्टाफ आके काम कर रहा था, तो क्या वजह इतने दिन लाइट नहीं थी? केबल का फॉल्ट था। केबल कितने दिन में मिलता है सर? केबल को टाइम लगता है, रिक्विजिशन बना, ये हमारा बना, टाइम लगता है उसमें। कितना टाइम लगता है केबल में? केबल में 1-2 दिन जाता है। इधर का वसूली 100% होगा तभी सुधरे। यानी कि यहाँ पे वसूली नहीं हो रही है, कम हो रही है। यहाँ के जो MSEB अधिकारी जो हुंडे करी, उन्होंने बताया कि यहाँ काम चल रहा है, जल्द ही यहाँ पे ये काम पूरा हो जाएगा और यहाँ के लोगों को लाइट मिलेगी। यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी आकर यहाँ पे लोगों को समझाया है, लेकिन यहाँ के जो रहवासी वो काफ़ी परेशान नाराज़ है। उनका कहना है कि सिर्फ यहाँ पे कोई नगर सेवक भी नहीं आया है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नेता लोग यहाँ पे आके देखते नहीं, सिर्फ देखते और चले जाते हैं, यहाँ की जनता की समस्या कोई हल नहीं करता। अक्सर बड़े बड़े यहाँ के नेताओं ने यह कहा था कि रमज़ान में लाइट नहीं जाएगी और रमज़ान में लोगों को यहाँ पे आसानी से पूरी इबादत करने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ मुमरा कौसा के सभी इलाकों में लाइट जाना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि रमज़ान के महीने में यहाँ पे कब लाइट आएगी और कब लोगों को यहाँ पे सहूलत मिली। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।